सैटरडे है तो पार्टी प्लान तो बनता है। तो इमेजिन आपने किया एक पार्टी प्लान अपने फ्रेंड्स के साथ, हाउ रॉकिंग, लेकिन बारिश ने उसे कर दिया चौपट। शॉकिंग, कुछ ऐसी ही रॉकिंग, कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारी ये खबरें जो ले आएंगी आपके चेहरे पर शॉक भी और सरप्राइज भी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देख लीजिए हमारा ये अगला सेगमेंट जहाँ है कुछ रॉकिंग कुछ शॉकिंग न्यूज। I'll admit to asking all the wrong questions. पेश है सास बहू और बेटियाँ की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। सबसे पहले रॉकिंग खबर सुन लीजिए, आप सभी का फेवरेट शो कॉफी विद करण डिजिटली आने के लिए तैयार है। और खबरों की माने तो इस शो के पहले एपिसोड में नजर आएंगे कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर, जो फिल्म कबीर सिंह में साथ में नजर आए थे, और साथ ही नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ भी। अगली रॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर से, जिनकी बहुत जल्द शमशेरा फिल्म आने के लिए तैयार है और उस फिल्म में उनके किरदार का लुक भी रिवील हो गया है। देख लीजिए उस फिल्म का ये पोस्टर। अगली रॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है स्टार प्लस के सीरियल इमली से, जिसमें बहुत जल्द एंट्री होने वाली है मयूरी देशमुख की री एंट्री, यानी कि मालिनी आते के साथ इमली की जिंदगी में ले आएंगी शॉकिंग ट्विस्ट। अगली रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है स्टार प्लस के सीरियल ये है चाहते से। खबरों की माने तो जीवांश चड्ढा बहुत जल्द ये है चाहते में एंट्री करने वाले हैं और वो निभाएंगे विद्युत का किरदार। वैसे बता दे कि जीवांश चड्ढा इससे पहले रंजू की बेटियां में नजर आ चुके हैं विक्की का किरदार निभाते हुए। अब इनका आना रुद्राक्ष और प्रीशा के लिए रॉकिंग रहेगा या शॉकिंग, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अगली रॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है हितेन तेजवानी से। खबरों की माने तो बहुत जल्द इनकी नई सीरीज आने वाली है, जिसका नाम है इश्कियों। अगली न्यूज जुड़ी हुई है मुनव्वर फारूकी से, और उनके फैंस के लिए है शॉकिंग न्यूज कि मुनव्वर फारूकी खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में नजर नहीं आएंगे, और इस बात का ऐलान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर किया है। अगली रॉकिंग और शॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है मोहम्मद इकबाल खान से। खबरों की माने तो बहुत जल्द इनका एक और नया सीरियल आने वाला है, जो टेलीकास्ट होगा स्टार भारत पर। उसमें वो लीड किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, और ये सीरियल लेकर आ रहे हैं अतुल केतकर। फिलहाल तो मोहम्मद इकबाल खान नजर आ रहे हैं कलर्स के सीरियल नीमा डेंगजोंगपा में विराट का किरदार निभाते हुए। अगली रॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है जावेद जेफरी से। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आने वाली फिल्म जादूगर का एक और नया पोस्टर रिलीज हुआ है, जिसमें जितेंद्र के साथ जावेद जेफरी भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब इस फिल्म में जावेद जेफरी भी मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अगली रॉकिंग न्यूज जुड़ी हुई है टीवी अभिनेता जान खान से, जो बहुत जल्द फिर से नजर आएंगे बॉलीवुड फिल्मों में, वो भी एक नहीं बल्कि दो दो फिल्मों से। पहली फिल्म होगी इनकी अफवाह, जो लेकर आ रहे हैं सुधीर मिश्रा, और दूसरी फिल्म है उनकी बस करो आंटी, जिसे लेकर आ रहे हैं अभिषेक सिन्हा। फिल्म बस करो आंटी में जान खान के साथ नजर आएंगी महिमा मकवाना और इशवाक सिंह भी।